एक सावन से ही पानी बहा रहा है, इतना इतना पानी हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ, सबको बुलाए, सबको फोन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। वोट जब तक कि रोड क्लियर नहीं होगा तो वोट उसको नहीं हम लोग दे सकते हैं, न 49 नहीं 50 नहीं 51। तो हम लोग तो सोचे कि अब तो सीमा सागर खड़ी तो नकारे समझिए, और जहाँ तक हमारा अपना अनुमान है कि बसंता राय जो है कि उसका उम्मीद सीमा शाह को आपकी मेयर नहीं बनने का है, काम ही नहीं हो रहा है। आज 5 साल से सावन से ही पानी बह रहा है। सीमा शाह तो आज तक कहियो देखने ही नहीं आया वार्ड में, 50 साल 50 वार्ड हुआ, इसमें कहियो देखने ही नहीं आया। सही बात है, अभी वसुंधरा लाल को देंगे, वो लोग को हम लोग अभी देंगे ही नहीं, हम लोग वसुंधरा को ही देंगे वोट। जितना भी आदमी है बस्ती का सब उसी को देगा, 50-51 सब उसी को देगा, अभी उसका चांस नहीं है, उसी का चांस है जीतने का। भागलपुर नगर निगम चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है और सभी प्रत्याशी अपने वार्ड में और मेयर प्रत्याशी पूरे भागलपुर का दौरा कर रहे हैं और घूम घूम कर सब जगह देख रहे हैं कि वार्ड की क्या स्थिति है और जनता से अपना समर्थन मांग रहे हैं। हम भी जनता के बीच पहुंच गए हैं जानने के लिए कि भागलपुर का मूड इस बार क्या है। अभी हम लोग वार्ड नंबर 50 में है जो कि भागलपुर की निवर्तमान मेयर सीमा शाह का वार्ड रहा है। यहाँ पे स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं दिख रही है गली मोहल्ले में, और फिर भी हम यहाँ की जनता से जानते हैं कि इनका क्या मूड है इस बार, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है इस बार आपका वार्ड में? आपकी तो लग रहा है माहौल बहुत खराब जा रहा है, टुन सा आए थे आपका वोट लेने 50 वार्ड में, 51 वार्ड में, 49 वार्ड में मेयर, वो बोल रहा था कि हो जाएगा, कब होगा, एक सावन से ही पानी बहा रहा है, इतना इतना पानी हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ, सबको बुलाए, सबको फोन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, सभी जा रहे हैं, बाल बच्चा स्कूल वाले लड़का लड़की सब गिर रहा है, पड़ रहा है, जैसे मन तैसे जा रहा है, इतना इतना पानी में क्या बतावे। वोट लेने आए हैं क्या, वोट दे सके जा, बोल वोट जब तक कि रोड क्लियर नहीं होगा तो वोट उसको नहीं हम लोग दे सकते हैं, न 49 नहीं 50 नहीं 51। हम लोग गंदा में हैं, मलिच में, आज सालों में सबके घरे घर पानी होते हैं, आज सालों में हम सबको फोन कैसे बुलाए, कोई नहीं देखने आया, ये गंदा में हम लोग रह रहे हैं। 49 वाला के भी बुलाए, वो भी नहीं देखा, न 50 वाला देखा, नहीं 51 वाला, ईद का 51 वाला भी नहीं जाता है, सब जाता है, मगर फिर भी कभी ध्यान नहीं दिया। अगली बार किसको वोट दिए थे आप? वोट तो हम लोग 50 वाला में दिए थे। मेयर साहब, हाँ, आपको आप फिर भी विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, आज सालों में देखने नहीं आया, जब नहीं वोट क्लियर नहीं होगा तब नहीं हम लोग वोट नहीं दे सकते, वोट ही नहीं दीजिएगा इस बार? नहीं। तो जनता का मूड काफी खराब है, कह रहे हैं कि वोट ही नहीं देंगे, क्या लग रहा है आपका वार्ड में कैसा काम रहा और पूरे भागलपुर का काम कैसा दिखा इस बार जो है पिछले 5 साल में? बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा है। जिस तरह पिछली बार तो जनता को मौका नहीं मिला था मेयर को चुनने का, इस बार लेकिन परिस्थिति बदल गई है, इस बार जनता को डायरेक्ट मेयर को चुनना है, तो अभी जो निवर्तमान मेयर जो है सीमा शाह, हाँ, वो भी प्रत्याशी हैं और भी प्रत्याशी, डॉक्टर वसुंधरा लाल प्रत्याशी हैं, ठीक है, तो क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल है भागलपुर का, मेयर कौन लग रहा है इस बार? ऐसा तो देखिए कोई ऐसा काम ही नहीं कर, बढ़िया से कर रहा है तो हम किसको क्या वोट बताए, और न किसी को हमको वोट देने का मन कर रहा है, न किसी को वोट देने का हो रहा है, देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, पूरा एकदम वोट देने का इच्छा नहीं कर रहा है, जैसे हमको वोट देने का इच्छा नहीं कर रहा, दिल टूट गया एकदम, दिल टूट गया, सही बात बोल रहे हैं। आपकी वार्ड की कैसी स्थिति है, क्या स्थिति है? बहुत ये बेकार है, इधर खाली वोट आओ दो, सबको जीत गया बस घर में पैक हो गया, अब उसको गौर लगने जाओ, बोलने जाओ कुछ बोलेंगे, अच्छा यहाँ घरों जो घर में भी है तो घर में नहीं है, थोड़ा देर के बाद आना, हो गया दीपू भैया, कौन सा वार्ड पड़ता है? 49 वार्ड, हाँ 49 वार्ड पड़ता है, उधर उधर, अच्छा उधर 49 वार्ड पड़ता है और ये 50 वार्ड पड़ता है, अच्छा ये लाला जो है 49 50, अच्छा अच्छा आप बताइएगा, अब चुनाव आ गया है ठीक है और अभी भी स्थिति इतना खराब है, 5 साल बीत गया लेकिन अभी तो अच्छा तो होना चाहिए था, हाँ, क्या कितना विकास दिखा आपको 5 साल? कोई विकास नहीं है, बस इतने आप समझ लीजिए कि ये गंदगी से दूर
जो भी किया थोड़ा देर के किया, 10 मिनट के लिए किया, 5 मिनट के लिए किया, हमारे दीपू साहब जो हैं इतना सा नाले उले साफ करवा करके, ताकि दस्तों जनता अभी किसी तरह चल रहा है। अभी तो बारिश का ही मौसम नहीं है, फिर ऐसा तो बारिश में क्या स्थिति रहता होगा? बारिश का स्थिति समझिए कि पूरे जांघ पानी रहता है, अगर नाव चले तो नाव चल जाएगा। अच्छा, नाव चल सकता है यहाँ? नाव चल सकता है यहाँ पर पूरे वारसलीगंज रोड में। और थोड़ा बहुत जो भी आप अभी देख रहे हैं फिलहाल सुरक्षित, ये हमारे दीपक साहब के मेहरबानी से हो रहा है। और दीपक साहब थोड़ा बहुत जो काम किया वो दीपक साहब किया। मेयर साहब कोई काम नहीं दिखाया, बस देखने तक नहीं आया आज तक। और जो फिलहाल अभी वोट का समय है तो देखने के लिए आ रहा है, सबसे गुजारिश कर रहा है कि हमको तो क्या लग रहा है 28 तारीख को वोट देना है इस बार जो है, तो क्या सोचे आप लोग जो है? तो हम लोग तो सोचे कि अब तो सीमा सागर खड़ी तो नकारे समझिए, और जहाँ तक हमारा अपना अनुमान है कि बस उनका राय जो है कि उसका उम्मीद ठीक उम्मीदवार है वो ठीक उम्मीदवार। आपको क्या लग रहा है उम्मीदवार, मान लीजिए अगर आप लोग सीमा सा का कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं हुआ तो क्या कौन इस बार तब कौन क्या लग रहा है? वो जो डॉक्टर है क्या नाम है इसका, क्या बसंत राय छोटिया है, हाँ उसी को क्या लगा उनका चिकित्सा का पैसा, डॉक्टरी या मेयर वाला काम लगता कर पाएगी? बनाएंगे उसी को मेयर बना जा सकता है। सीमा साह को आपकी मेयर नहीं बनने का है, काम ही नहीं हो रहा है आज 5 साल से, सावन से ही पानी बह रहा है। क्या बोल रहे हैं मेयर? मेयर बदलेगा तब काम होगा, वसुंधरा राय को दिया जाएगा। वसुंधरा लाल है, क्या लग रहा है? सीमा साह तो आज तक कहियो देखने ही नहीं आया वार्ड में, 50 साल 50 वार्ड हुआ इसमें कहियो देखने ही नहीं आया। सही बात, अभी वसुंधरा लाल को देंगे मेयर में। तो वसुंधरा लाल के बारे में लोग बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सीमा साह जो वर्तमान मेयर रही हैं उनका काम लोगों को पसंद नहीं आया, यहाँ की पार्षद भी वो है, क्योंकि यहीं से पार्षद बनी थी बाद में मेयर बनी, काम लोगों को पसंद नहीं आया। आप देख भी सकते हैं अभी बरसात का मौसम नहीं है और इनकी वार्ड की ये स्थिति अच्छी नहीं लग रही है अभी। क्या लग रहा है, क्या वार्ड की क्या स्थिति है आपकी? सीमा कभी ना देखने आई है, ना कभी किसी को पूछने भी आई है, वृद्धा पेंशन बनाने भी जाते हैं, ठीक है बोल बना देंगे, ठीक है कर देंगे, कहा है आपका, आप जब मेयर पे कुर्सी पे बैठे हैं तो क्यों न बनाइए, क्यों न करिएगा काम? आपसे हम पूछने जाएंगे कि ये चीज में नहीं हो रहा है तो आप क्या के बार खोल के देख लीजिएगा चले जाइएगा, ये कोई बात नहीं हुआ किसी का, आपसे हम काम कराना है, आप बोलिएगा ना हाँ ठीक है कर देंगे। आप लोगों ने चुना अपने काम करने के लिए, तो क्या वो काम नहीं कर रहे? नहीं कोई काम नहीं की, वो सुनती ही नहीं किसी का बात, किसी का नहीं, और कभी ये गली देखने भी नहीं है, कभी से कुछ पूछने भी नहीं आए, वृद्धा पेंशन भी बोले बनाने के लिए सब औरत लोग गई, उसको भी घुरा भी नहीं बनाए, वो लोग को हम लोग अभी देंगे ही नहीं, हम लोग वसुंधरा को ही देंगे वोट, जितना भी आदमी है बस्ती का सब उसी को देगा, 50-51 सब उसी को देगा, अभी उसका चांस नहीं है, उसी का चांस है जीतने का, चांस उसी को हम लोग देंगे। तो क्या लग रहा है वसुंधरा लाल जो डॉक्टर थी अब मेयर के पद पे आ गई तो काम कर पाएंगी? डॉक्टर के पद पे, मेयर के पद पे वो काम करेगी, उसका भी हम लोग चांस देंगे एक बार, उसका भी चांस देखेंगे, वो कर सकती कि नहीं कर सकती वो तो हम लोग देखेंगे ना चांस देखे, जब सीमा को चांस दिए वो नहीं की, अब इसका चांस है, इसका भी चांस हम देखेंगे कि कर रही कि नहीं करे, तब 5 साल के बाद हम लोग भी सोचेंगे। मतलब 5 साल दीजिएगा उनको मौका, जो है उसको मौका देंगे, जरूर देंगे हम लोग, 50-51 सब देगा उसको, क्यों नहीं देंगे? लग रहा है आप लोग मौका दीजिएगा क्या उनको? हाँ उसको मौका देंगे, जरूर देंगे। कैसी लग रही है प्रत्याशी वो? आपकी एक बार चांस देने दीजिए, हम लोग सब बस्ती का उसको चांस देंगे, लेकिन सीमा को अभी नहीं देंगे हम लोग, कुछ हो जाए। नाराजगी क्या हो गया? ये नाराजगी है जब से वो कुर्सी पे बैठी तब से, वो कभी ना आई किसी से पूछने के लिए, वृद्धा पेंशन भी नहीं बनाई, ना राशन कार्ड किसी को बनाई, क्यों? आप जब कुर्सी बैठे तो आपको बनाना ही होगा, क्यों बनाइएगा? इसलिए वो नहीं बनाई, न कभी लाली देखने, कभी न गली देखने आई, न कभी कूड़ा साफ करवाई, क्यों? तब आप कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? क्या क्या बोल रहे थे? क्या स्विमिंग पूल क्या बन गया सर? ये तो छोटी गंगा बन गई है, फिल्म वाला छोटी गंगा, तब ऐसा ही लगी रहा। हम लोग जब आते जाते हैं तो दूसरा रोड घूम करके जाना पड़ता है, घर की रोड। बरसात के तो सर यहाँ कमर तक एकदम पानी आने आने, कितना लोग का अगर घर अगर लाली के लेवल में है तो पानी लाली का पानी घर तक प्रवेश करती है। मतलब आप लोग फिल्म का बात करके मतलब समस्या को मजाक में उड़ा रहे हैं कि आपका घर ऐसा हो गया? रियल में कितना का पानी घुसा है, प्रूफ देंगे उस चीज का, प्रूफ देंगे उस चीज का, रियल मजाक फिल्मी डायलॉग नहीं चल रहा है, रियल का बात बतला रहे हम आपको।
सामने में उस गली में जा करके देख लीजिए, पूरा लाली का पानी रूम में घुसता है, पूरा ठुकवारी भी घुसता है, ठुकवारी घुसता है, उसका भी घुलता है बगल वाला। तो आप लोग पूरा नाराज है, मतलब नाराज को लेकर क्या क्या, हर एक इंसान को मौका देना चाहिए हर एक बार, ठीक है। क्या लग रहा है किसको मौका दीजिएगा आप लोग? मौका तो इस विषय में सोचना पड़ेगा, हम सोचिएगा जी, हम लोग तो सोचेंगे। तो आप स्थिति देख सकते हैं, वार्ड 50 है जो मेयर सीमा शाह का वार्ड रहा है, काफ़ी नाराजगी है लोगों में। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी खराब स्थिति क्यों हो गई है इस वार्ड की, और लोगों के घरों में पानी लगातार प्रवेश करता रहता है, लोगों में काफ़ी आक्रोश है। नाली और पानी की बात तो छोड़ दें, एक महिला मिली, उन्होंने अपना आक्रोश तो इस तरह व्यक्त किया कि उनका कुछ काम नहीं हो रहा, पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं बन पा रहा है, कुछ ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। कैसा स्थिति है आपका वार्ड का, क्या लग रहा है? लद्दी भर लो छे, की करिए ले, दुकानदारी बंद करी बेटा, अब तो से घर सीख लियो छे। तो ये आपका दुकान है? हाँ, पुड़िया तुड़िया बेचे रही है भैया। बेटा पुतो सब पर्वती पे चल लोगे, की कमी देवटा गाँव की नहीं आवे। अच्छा, यहाँ पे ग्राहक नहीं पहुँच पा रहा है? यहाँ पे ग्राहक नहीं पहुँच पाता है की गए रहा नहीं समझ लियो, यहाँ पे मतलब लोग सामान खरीदने के लिए नहीं आ पा रहा है ना? ना ना ना, ना पानी में तो रखना, खाली महिला। तो आप अकेले रहती हैं घर में? मैं कल ले रही हूँ बेटा। तो कैसे खाते पीते कैसे हैं? बेटा खाना भेजी दी पर्वती। अच्छा, बेटा खाना पर्वती से भेज देता है। हाँ। यहाँ पे दुकान आपका नहीं चल पा रहा है क्योंकि स्थिति खराब हाँ, हो गई है। हाँ, बेचारे 2,000-3,000 भी कह रही बेटा। अच्छा, 2-3 हजार का होता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग का खड़ा होने का जगह नहीं बचा, लोग आएंगे कैसे यहाँ पे, यही स्थिति। तो क्या लग रहा है, 5 साल बीत गया, फिर से मेयर को चुनने का टाइम आ गया इस बार जो है, तो 28 तारीख को जो है वोट करना है, तो क्या लग रहा है वोट करने जाइए कि नहीं 28 तारीख को? चल जाइएगा। तो क्या लग रहा है वर्तमान मेयर जो है उसको फिर से वोट करना है या नया मेयर चुनिएगा इस बार, क्या लग रहा है? जकराज तरह मैंने तो नंबर बनाए देते हैं, तो दे दो वोट। अच्छा, जो बना देगा उसको फिर वोट दे दीजिएगा, है ना? बड़ी तकलीफ छे, बहुत छे, कोई चपे नहीं छे। तो इनका यहाँ पे दुकान चलता था और यहाँ पे जो स्थिति देख रहे हैं, इनका कहना है कि दुकानदारी करके हम जो है 2-3 हजार रुपये की दुकानदारी कर लेते थे, पान पुड़िया कुछ बेचते थे, लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते हैं यहाँ पर दुकान के पास जो है, तो इनको अपनी दुकानदारी बंद करनी पड़ी। तो स्थिति इतनी खराब है कि लोगों के आजीविका पर भी संकट आ चुका है। अभी हमको ये पार करने में यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है, अब पता नहीं रिपोर्टिंग करते करते कहीं हम भी नाला में नहीं गिर जाएं। तो स्थिति आप लोगों के सामने है। तो वार्ड 50 में हम लोग थे, वार्डसलीगंज मोहल्ला है ये, कुछ लोगों से हमने बात की, काफ़ी नाराजगी है लोगों में कि जो निवर्तमान मेयर रही है सीमा शाह, उन लोगों का कहना है कि साफ सफाई नाली का तो बात छोड़ दिए, किसी भी तरह का कोई विकास काम पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, काफ़ी नाराज है वो लोग, और इस बार नए प्रत्याशी को वो लोग अपना मेयर बनाना चाहते हैं लोग। और हम लोगों ने पूछा कि नया प्रत्याशी में कौन, तो इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर वसुंधरा लाल, इन लोगों को लग रहा है कि वो अच्छा काम करेंगे, उनको एक अच्छा एक बार मौका देना चाहिए। तो खास करके इस एरिया में देखा जा रहा है कि डॉक्टर वसुंधरा लाल के पक्ष में लोग गुलबंद हो रहे हैं और वर्तमान मेयर सीमा शाह की लोग खिलाफत कर रहे हैं। हम और भी वार्ड में जाएंगे, भागलपुर के और भी क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि भागलपुर का मूड क्या है। अभी तक के लिए बस इतना ही, कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित राज, भागलपुर।